देखिए, 1947 के बाद पूरे देश के अंदर एक नया सेटअप आया, डेमोक्रेटिक सेटअप। लोगों की हुकूमत लोगों के हाथ में आई, जम्मू कश्मीर भी उसका एक हिस्सा बना। लेकिन अफसोस की बात है कि 1947 से लेकर अभी तक जम्मू खित्ते के लोगों के साथ क्या हुआ, जो देशभक्त थे, जो फाउंडर स्टेट के हैं, वो आप सबको पता है। इसलिए मैं आप उसकी लंबी बात नहीं करूंगा। आज मैं चार इश्यूज पर बात करूंगा जिनको लेकर डोगरा सदर सभा ने चिंता दिखाई और उसको लेकर मेरी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के जो इस वक्त हैं मिस्टर अरुण मेहता, उनके साथ मीटिंग हुई, वो बात मैं करूंगा। एक इशू उसमें सबसे पहला है कि दरबार मूव का फैसला हो गया। मैंने उनको बताया कि ये दरबार मूव के बारे में सिर्फ अभी नहीं हमने कहा, राजीव गांधी जब इसके प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि ये गलत प्रथा है, ये बिल्कुल वेस्टफुल प्रथा है, इसको बंद होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सब गवर्नर्स ने कहा, और फिर लास्ट में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा सख्त ये ऑब्जर्वेशन आई। उन्होंने ये कहा कि ये गलत है, ये इंसाफ नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि बड़ी मुश्किल से चार महीने गवर्नेंस मिले। इसलिए उन्होंने भी कहा और फैसला हो गया। हमने शुक्रिया अदा किया, मुबारकबाद दी कि अच्छा किया। लेकिन थोड़े दिन पहले फिर एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला कि भाई जो एकोमोडेशन यहाँ दोनों खितों में हमने वो कैंसिल की थी, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन या बाकी फैसिलिटी जो मूव में जाते थे उनकी, तो वो फिर से बहाल की गई। हमें इस बात की तकलीफ़ हुई, हमने जाकर पूछा तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि हमने 30% लोगों का जो एलजी के साथ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ चलते हैं या चीफ सेक्रेटरी के साथ चलते हैं उनके लिए हमने किया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इन बातों में मत आओ, पूरी तरह दोनों खितों में 12 महीने गवर्नमेंट दो और ये सेक्रेटरेट फंक्शनल बना दो और अलग अलग मुलाजम दोनों इन खितों के हों और ये लोगों को इंसाफ मिले। गांवों के लोग तड़प रहे हैं, उनके पास कोई जगह नहीं कश्मीर के अंदर आप वहाँ रहने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि बड़ी बदकिस्मती है इस खित्ते की, नहीं पूरी नॉर्दर्न इंडिया की, कि मुबारक मंडी जैसा हेरिटेज हम जिंदा नहीं कर पा रहे। हम तड़प रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये मुबारक मंडी हेरिटेज प्रिजर्व हो गया, यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, यहाँ लाइट एंड साउंड शुरू हो गया, तो यहाँ पूरा जम्मू दिन रात चहल पहल यहाँ पर होगी और ये जम्मू चमकेगा, पूरा टूरिज्म यहाँ का बढ़ेगा, करोड़ों लोग तो आगे आ रहे हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग रोजी खाएंगे, वो क्यों नहीं कर रहे। तो हमने कहा कि ये अफवाह है कि वहाँ कोई रानियों के पैलेस को होटल बनाया जा रहा है, ये रोक लो। और दूसरी बात हमने ये कही कि आर्काइव्स के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ का जो 8 लाख फाइल है, 300 साल का रिकॉर्ड है, दुनिया तरसती है उन कागज़ों को देखने के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं दुनिया भर के वो रिसर्च करने के लिए, आप उस रिकॉर्ड को तबाह होने से बचा लो, कहाँ पड़ा हुआ है वो देखो। हमने बताया कि चीफ सेक्रेटरी साहब को कि आप वहाँ पर, हमने अखबारों में पढ़ा, मीडिया में देखा कि आप वहाँ पर गए और आपने सख्ती से कहा कि यहाँ मैट बिछाओ, डस्ट नहीं होनी चाहिए, पॉल्यूशन नहीं आनी चाहिए, पूरा इंतजाम करो। लेकिन क्या आपका ऑर्डर कैरी आउट हुआ? वहाँ जाके देखो आज क्या हालत है उसकी। और साथ ही कि हमें ये पता लगा कि वहाँ का आप स्टाफ भी यहाँ का भेज रहे हो लद्दाख में। हमने कहा कि लद्दाख में 2 मॉन्यूमेंट नहीं है और आप स्टाफ भेज रहे हो, और जम्मू कश्मीर में और स्पेशली जम्मू में जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं वो 50-60 हैं, आप यहाँ खाली कर रहे हो, क्यूरेटर यहाँ से निकाल रहे हो। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा ये मैं नहीं कर रहा, जब कमेटी यहाँ बनाई गई थी कि दोनों यूनियन टेरिटरी के लिए स्टाफ बांटना है, क्या क्या किया जाए, उस रिपोर्ट के मुताबिक हो रहा है। तो हमने कहा बदकिस्मती है कि वो कहाँ थे अफसर हमारे, कहाँ लोग थे कि वो रिपोर्ट ऐसी तैयार हुई कि जम्मू खाली कर दिया गया, और आर्काइव जैसा एक खजाना वहाँ से आप खाली कर रहे हो, स्टाफ ही नहीं। तो उनको ये भी हमने कहा कि आप एलजी साहब से बात कर लीजिए और रोकिए इसको।
और अगली बात उनको ये कही कि भाई अब कई ये भी कहा जा रहा है कि आर्काइव्स, हमें पता लगा कि डिवीनो कृष्ण कहीं गए थे और उन्होंने कहा कि आर्काइव यहाँ शिफ्ट करना है। हमने बार बार कहा है कि ये गलती ना करना, इस मुबारक मंडी से अगर खजाना शिफ्ट हो गया क्या पोजीशन होगी, तहस नहस हो जाएगा रिकॉर्ड, वो आटा बन जाएगा, सारा पाउडर बन जाएगा वो जितने कागज़ हैं, ये गलती ना करना। और ये भी हमने उनको कल उस मीटिंग में परसों वार्न किया, ये भी उनको कहा। और फिर अगली बात उनको कही कि ये इस तारीखी शहर को आपने दो हिस्सों में बांट के रखा है, कई दफ़ा हमने सबको कहे हैं मिले हैं कि ये सड़क जो बंद की है क्यों बंद की है। उनके पास जवाब नहीं, कहते बड़ी देर से बंद है। बड़ी देर से बंद तो यहाँ सब कुछ था, यहाँ सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब मुझे बताओ जब आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, स्टेट तोड़ के आपने यूनियन टेरिटरी बना दी, ये इतना ये छोटी सी बात है, आप अंदर ले जाओ बैरिकेड को, यहाँ पर मुर्दे लेकर लोग जाते हैं पैदल नंगे पाँव रोते जा रहे होते हैं, जोगी गेट 3 किलोमीटर का सफ़र करते हैं बच्चियाँ, वुमेन कॉलेज हिस्टोरिकल कॉलेज है एक वुमेन कॉलेज परेड ग्राउंड, उसके अंदर बच्चियों ने जाना होता है, नौजवान बच्चियाँ जा रही हैं हमारी, वो 3-4 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाती हैं। यहाँ पर जाम्बू लोचन के पास आपने इतनी पार्किंग कर दी है, ये क्या किया आपने? हमने ये कहा कि ये जाम्बू लोचन का स्टैचू जब हमने लगवाया था, गवर्नर के वी कृष्णा राव जैसा जनरल गवर्नर था इसका कोई मुकाबला नहीं, उसके हाथों से लगवाया था, तो कहानी लिखी थी हमने यहाँ पर कि किन कदरों पर जम्मू शहर बसा है, यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, यहाँ भाईचारा और यहाँ ये छोटा बड़ा हटा के बराबरी की बात है, शेर बकरी ने इकट्ठा पानी पिया, ये कहानी उन टूरिस्ट को पढ़ने दो। आपने आज पार्किंग खड़ी कर दी वहाँ पर, पूरी गाड़ियाँ वहाँ लगा दी, लोग आ ही नहीं सकते वहाँ पर, ये क्या शहर का आपने पूरा चेहरा बदल दिया है, ये भी उनसे कहा। और फिर हमने ये भी उनसे कहा कि भाई आप आइंदा के लिए आने वाले समय में जितना जम्मू का कल्चरल हेरिटेज है इसको नहीं बचा सकोगे, ये स्टेट के अंदर देशभक्ति आपको नज़र नहीं आएगी, हमारी जनरेशन को पता ही नहीं लगेगा कि आने वाले वक्त में ये हमें प्रेरणा कहाँ से मिले, वो ढूंढेंगे तलाश करेंगे तो ये नहीं बता पाएंगे। ये सारी बातें हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को कही। और अगली बात आज आपके माध्यम से जम्मू के सियासतदानों को मैं कह रहा हूँ, जम्मू के मदब्बर शहरदारों को कह रहा हूँ कि मुझे बताओ कि डोगरा सदर सभा की ये मांगें गलत हैं, और अगर ये सही हैं तो आप क्यों नहीं बोलते, ये आपकी भी मांगें होनी चाहिए, और अगर गलत हैं तो कह दो प्रेस के जरिए, कह दो कम से कम कि भाई ये गलत हैं, अब तो हम डोगरा सदर सभा अमेंड कर लेगी, सोचेगी कि क्या हम क्या गलत कर रहे हैं। मैं फिर अपील करता हूँ, आओ आज लद्दाख की छोटा सा लद्दाख है उसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सब इकट्ठे होके सारा कुछ अपना उन्होंने सेटल कर लिया, जो नहीं था कभी वो भी उन्हें अगली जनरेशन के लिए सेव कर लिया। आपने क्या किया? आने वाली जनरेशन हमारे गले पकड़ेगी, यहाँ से पूछेगी कि आप क्या कर रहे थे, कौन सी पॉलिटिक्स चला रहे थे। ये मैं आपके माध्यम से सबको गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ, पॉलिटिशियनों को मदब्बर शहरदारों को अपील करना चाहता हूँ, हम दुखी हैं, डोगरा सदर सभा ने बड़ा संघर्ष किया है, और बड़े इशू हैं जिसकी बात आज नहीं मैं करना चाहता, इन 4 पर हम बिल्कुल क्लियर अपना अपना स्टैंड क्लियर कर दें। बहुत शुक्रिया, कोई सवाल है तो पूछिए।